हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं। जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं उनके लिए वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके मन में जो भी डाउट्स हैं, आई होप ये वीडियो फिनिश होते होते वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति आपसे प्रेम करेगी, और जिसे प्रकृति प्रेम करती है उसकी हर चाह को राह दे देती है। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि हम जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे वो प्रकृति से ही जुड़ा है, क्योंकि आयुर्वेद में रोगी का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा किया जाता है। और आपको पता है, लोग अब एलोपैथिक से फेड अप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और उनका जो रुझान है अब आयुर्वेद या होम्योपैथिक की तरफ हो रहा है, क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और ये गंभीर से गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। हाँ जी बिल्कुल, जड़ से खत्म कर देती है। तो आने वाला जो भविष्य है वो आपका होम्योपैथिक में और आयुर्वेद में बहुत खतरनाक होने वाला है। होम्योपैथिक में क्या करना है, कौन कौन से डिप्लोमा है, कौन कौन से कोर्स हैं, उसकी वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आज सिर्फ हम आयुर्वेद के बारे में ही बात करेंगे। होने को तो आयुर्वेद में बहुत सारे डिग्री डिप्लोमाज होते हैं, बट आज हम दो इम्पोर्टेंट्स, एक सर्टिफिकेट कोर्स और एक डॉक्टरी कोर्स की बात इसमें करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं आयुर्वेद। स्क्रीन पे साफ साफ लिखा हुआ आयुर्वेद का मतलब, आयु मतलब जीवन और वेद मतलब ज्ञान। जीवन का ज्ञान आपको इसके अंदर आयुर्वेद के जो आप स्टडी करोगे उसमें आपको जीवन का ज्ञान देखने को मिलता है। आज हम जिन जिन कोर्स की बात करेंगे उनमें जो पहला कोर्स है आपका CCAT सर्टिफिकेट कोर्स इन द आयुर्वेद, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पहले कहा बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके अंदर, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, परंतु हम जो इम्पोर्टेंट जो है उसके पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है आपका CCAT, दूसरा है आपका BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम, इन दोनों कोर्सेज के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। डिटेल का मतलब कहाँ से करें, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे एडमिशन होगा, कौन से कॉलेज बेस्ट है, क्या फीस लगेगी, कितना समय लगेगा, और फाइनली क्या जॉब मिलेगी हमें और जॉब से सैलरी कितनी मिलेगी। इम्पोर्टेंट थिंग्स यही है कि हम जो कोर्स कर रहे हैं उसको कोर्स करने के बाद भविष्य में हमारे साथ क्या हो, कितनी हमको सैलरी मिलेगी। तो तमाम जो बिंदु हैं हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कहीं कोई डाउट लगे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम CCAT कोर्स के बारे में, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक थेरेपी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रमाण पत्र आपको मिलता है। इसकी जो अवधि है वो एक साल की है, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसको क्वालिफिकेशन 12 पास होनी चाहिए, बट इसमें भी 12 पास में क्या होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। और कौन से बच्चे भी कर सकते हैं इसको, जिन बच्चों ने 10वीं पास करके आयुर्वेद के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षीय कार्य का अनुभव लिया है वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि 10+2 का कोर्स है ये। तो 10th के बाद उन्होंने 2 वर्षीय कोई अनुभव लिया तो वही 12th के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, यदि कोई 12वीं का बच्चा करना चाहता है साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और 10th का बच्चा करना चाहता है तो उसको 2 साल का आयुर्वेद का अनुभव होना चाहिए, और ठीक है विभिन्न क्षेत्र में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आयुर्वेद के फील्ड में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, 10th के बाद भी होते हैं, 12th के बाद भी होते हैं। तो हम जो 12th की बात कर रही है एक साल का है, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं फीस, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है एक आम फैमिली के लिए, एक मिडिल फैमिली के लिए, हम डिग्री डिप्लोमा तो करना चाहते हैं, हमारा बच्चा टैलेंटेड तो है, बट उसके लिए फीस तो बहुत ही ज़्यादा फीस नहीं है, 15,000 रुपये के अप्रॉक्स इसकी फीस आती है। डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेज के ऊपर, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है फीस का मैटर, बट अप्रॉक्स 15,000 ही के आसपास ही फीस आती है, ज़्यादा फीस नहीं आती। अब चलो हमने कर तो लिया, अब जॉब की क्या क्या ऑप्शन है इसमें। तो सर जॉब की जो ऑप्शन है बहुत सारे हैं। देखो आप कोई भी डिप्लोमा डिग्री करते हो, यदि आपने उसको सच्चे दिल से किया है, मन लगा के किया है, आपने उसमें नॉलेज
गेन की है, डेफिनेटली आपके लिए सारे रास्ते खुल चुके होंगे। तो आयुर्वेदिक में टेक्नीशियन के पद पर राजकीय अथवा निजी क्षेत्र में सेवा दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने प्राइवेट आयुर्वेदिक फार्मेसी में टेक्नीशियन की नौकरी कर सकते हैं आप। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उन्हें पंचकर्मा डिस्पेंसरी में सेवाएं कर सकते हैं आप। औषधि संग्रहण व आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आप मान्य हैं। आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक की मेडिकल की शॉप्स होती हैं, खोल सकते हैं आप आराम से। व्यक्तिगत वैदिक कार्य में सेवाएं कर सकते हैं। विदेश में भी पंचकर्म कार है तो सेवा देने के लिए जा सकते हैं। विदेशों में भी इसका भी आपको जॉब के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये तो तमाम जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई CCET की। बहुत ही एक साल का कोर्स है, 15,000 के आसपास इसका खर्चा आता है। साथ में 12 पास चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 10 पास स्टूडेंट भी कर सकता है, परंतु उसके पास 2 साल का विभिन्न जो होम्योपैथी के फील्ड वहाँ का उसके पास कार्य अनुभव होना चाहिए, तो वो भी इसमें काम वो इस डिग्री को कर सकता है, इस कोर्स को कर सकता है। अब जो मेन फोकस है अपना वो है आपका BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसके बारे में अब हम बहुत ही अच्छे से बारीकी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब ये चेक कर लेते हैं कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आप कितने योग्य होने चाहिए, क्या योग्यता इसकी होनी चाहिए। तो जो इसकी योग्यता है वो कम से कम 12th पास होनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, साइंस के अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात 50% से 50 या 50 से अधिक आपको अंक लाने हैं इसके अंदर, और एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एडमिशन जो लेंगे उसका प्रोसेस क्या है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसमें आपको बैठना पड़ता है। इंडिया लेवल की एग्जाम भी होती हैं और अलग अलग स्टेट लेवल की एग्जाम्स भी होती हैं, उनमें
में। इसमें थेरेपिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वर्क इन द नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं यार। एक बार कोर्स करो, बहुत कुछ कर सकते हो फिर आप, बहुत कुछ करने के कैपेबल हो जाते हो आप। कभी नहीं है, लेक्चरर बन जाओ, कुछ ही बन जाओ, बढ़ सकते हो आप इस कोर्स को करने के बाद, क्योंकि ये एक डॉक्टर कोर्स है यार, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, सर फायदे बता दिया आपने, सब बता दिया, और इसमें एडिशन भी बता दिया, परंतु बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं, इनको पास आउट कैसे करें? तो पास आउट करने का एक तरीका सुन लो आप। अगर आप चाहते हैं बिना कोचिंग के, तो बिना कोचिंग के कोई अच्छी सी बुक आप ले लें और सेल्फ स्टडी करें, दिल लगा करें, क्योंकि आपने जो 12th क्लास तक पढ़ा है ना, वो ही लगभग लगभग उसका कुछ काफ़ी अच्छा पार्ट आपके उस एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। सेकंड आप है, एग्जाम पास आने पर टाइम तो होता नहीं, तो आप नोट्स बनाकर पढ़ाई करें, नोट्स बनाकर टाइम पढ़ाई कर रहे हो, टाइम बचता है आपका, और आप इम्पोर्टेंट थिंग्स को पढ़ पाते हो। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका लगातार रिविजन करते रहें आप, अपने आप रिविजन जितना आप करोगे, क्योंकि रिविजन करना मस्ट है सर, जितना आप रिविजन करोगे उतना आपको फ़ायदा है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप यदि आपको लगता है कि मुझे कोचिंग करना चाहिए, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करने से कोई डाउट आपको आ गया, वो डाउट आप कोचिंग क्लास में जाकर दूर कर सकते हैं। अब मैंने आपकी स्क्रीन को 20 टॉप कॉलेज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों को मिलाकर मैंने आपको प्रेजेंट किया है। ये 20 वो टॉप कॉलेज है जिनकी रैंकिंग 4 और 5 के बीच में आती है। आप जब भी आप या तो इंडियन लेवल के एग्जाम होंगे या स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो उस स्टेट के अनुसार आप इन कॉलेजों में से अच्छा कॉलेज चूज कर लें। अच्छे कॉलेज सारे 20 के बीच अच्छे कॉलेज हैं, आपके माइंड में सेट करके रखें कि मुझे इनमें से ही कोई एक कॉलेज लेना है, डेफिनेटली लेना है मुझे, क्योंकि तो बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं ये, मैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखा दिए, मजा जाएंगे इसमें पढ़ाई करके, और अच्छा आपका इसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको अच्छी नॉलेज यहाँ मिलने वाली है। अब बात करते हैं सर, अब BAMS और आपने CCET के बारे में बता दिया, हम कौन सा कोर्स यहाँ पर करें दोनों में से? देखो मैं आपको बता दूँ, CCET जो कोर्स है वो एक ओनली सर्टिफिकेट कोर्स है, और BAMS एक बैचलर कोर्स है, और इसके बाद 5-5.5 साल देने के बाद आपको इसमें डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। देखो सर, डॉक्टर डॉक्टर होता है, कंपाउंडर कंपाउंडर होता है, बट डिपेंड करता है आपकी आर्थिक कंडीशन के ऊपर। यदि आपकी आर्थिक कंडीशन, आपको लगता है सर मुझे 12 पास आउट हो गया हूँ साइंस सब्जेक्ट से, अब मुझे ऐसा कोई डिप्लोमा डिग्री करनी है जिससे मैं जल्दी कर लूँ और मुझे जॉब मिल जाए, तो आप 1 साल का कोर्स है इसको कर लें, अच्छे से कर लें। इसको करने के बाद आपको डेफिनेटली जॉब तो मिल ही जाएगी, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो BAMS के लिए। यहाँ आपकी जॉब चलती रहेगी, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो आप थाली भी नहीं बैठोगे। बट आयुर्वेद की फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, तो BAMS बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन थे उन सबका मैंने आपको समाधान कर दिया होगा। फिर भी कोई डाउट आपको लगता है तो वीडियो रिवाइज करके आप देख सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट आपका क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछें, डेफिनेटली उस कमेंट्स के आधार पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और फिर भी कोई लगता है कि भैया इस काफ़ी कमेंट्स आ रही किसी टॉपिक को लेके, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।